बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे पास जो यूनिट है या चैप्टर है वो है ज्योमेट्री, और उसमें एक्सरसाइज है 10.3। तो इसमें क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन जिस तरह होता है कि कंस्ट्रक्ट जो आपके ट्रायंगल है ए बी व्हेन, जो ये मालूम करना है। तो हमें दिए हैं जो आपके पास ए बी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, इसका एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद जो आपके पास बी सी है उससे हम कंपास के ज़रिए उसको लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। उसके बाद सी ए है वो भी ये कंपास के ज़रिए जो 6 सेंटीमीटर वो ड्रा करेंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास स्केल आ जाता है, स्केल जो स्केल आपके पास है, और पेंसन के ज़रिए आप ये ड्रा कर लेंगे, ठीक है लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक, यहाँ से आप लाइन यहाँ तक ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट आ गया जो आपके पास ए है और ये बी है, ठीक है। ये आपके पास आया, उसके बाद ये कंपास जो आपके पास है, ठीक है। तो कंपास के ज़रिए करेंगे, ठीक है। तो कंपास में आपके पास जिस तरह ये ए बी आ गया और बी सी है, सी ए है, जिस तरह बी सी है, ये आपके पास बी है। तो ये आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसको आप इधर से देख लेंगे, 3 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो 3 सेंटीमीटर है वो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। ये आप कर लें। उसके बाद जो आपके पास बी है इस पर आप रख देंगे, ठीक है। जिस तरह ये रख दिया तो ये फिर आप ड्रा कर लेंगे, ये आपके पास ड्रा वैसे कर दिया। अभी आपके पास जो है सी ए या ए सी, आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर आप यहाँ से देख लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो आपके पास ये आ रहे हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये आप ए पर रख देंगे, ठीक है। ए पर रख दिया तो ये आपके पास यहाँ से आप कटिंग, यहाँ से कट हो रहा है। तो यहाँ आप ये आप जो ड्राइंग जो लाइन है वो ड्रा कर लेंगे, जहाँ से ये दोनों जो आपने लाइनें लगाई हैं जहाँ से मिला है, तो यहाँ तक आप ड्रा कर लेंगे। ये आपने यहाँ से ड्रा किया और ये यहाँ से ड्रा किया, ठीक है। ये आपने ड्रा किया, ये आपके पास आ गया सी, ये आपके पास सी आ गया, ठीक है। ये आपके पास सी आया तो इसका जो ट्रिप्स है, ठीक है, ट्रिप्स आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है वो आप लिखेंगे इसका। तो ये आपके पास जिस तरह ए बी जो आपके पास है वो है 7 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर, और ए सी या सी ए आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आया तो उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। स्टेप ऑफ फ्रैक्शन, ये आपके पास आ गया तो आप इसका 1 लिख लेंगे, ये 1 आ जाएगा आपके पास। ड्रॉ जिस तरह आपने ड्रा किया, ड्रा ऑफ द लाइन ऑफ द सेगमेंट, जो सेगमेंट है ए बी मैयर आपके पास है 7 जो सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपके पास आ जाएगा।
तो ये हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसमें पहला पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है और उसमें ये जितने भी पार्ट्स थे वो हमने लिख लिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपको फिर समझना है तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन जितना सॉल्व नहीं हुए इसमें सिर्फ दो तकरीबन क्वेश्चन, ये 2 और 3 ये सेम है, और नीचे ये क्वेश्चन नहीं हुए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।